हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जिस हिसाब से हम बैंक निफ्टी में आज के दिन में मूवमेंट देखने को मिला है, तो कौन से लेवल से जो हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमको ध्यान में रखना है। स्पॉट लेवल का ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आज के दिन में क्या मूवमेंट रहा वो अगर हम चेक करें तो एक हमको लास्ट के 1 आवर के अंदर एक अच्छा सा फॉल देखने को मिला, जो कि बहुत बड़ा फॉल था बैंक निफ्टी में, जहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था ऑप्शन ट्रेड करने के लिए। और आज के ट्रेडिंग दिन में जो शुरुआत हुई वो एक जो प्रीवियसली फ्राइडे को जो क्लोज था वहां से एक गैप के साथ ओपन होते हुए देखने को मिला यहाँ पर। तो सस्टेन हुआ, पहले 15 मिनट में उनको फॉल दिखा, बाद में कंसोलिडेट हुआ और फिर एंड में फिर से फॉल देखने को मिला। तो यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था एंड में, जो कि एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन के अंदर एक पॉसिबिलिटीज था, फ्यूचर्स भी आप ट्रेड कर सकते थे। अभी लेवल्स मार्क करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के। तो सबसे पहला आज के दिन का हाई हम मार्क कर लेते हैं, जो कि रहेगा 29,782 का लेवल है, 29,782 जो हमने मार्क कर लिया आज के ट्रेडिंग सेशन का हाई। और आज के ट्रेडिंग सेशन का लो कौन सा है, तो एक हमको लास्ट 15 मिनट में ही देखने को मिला है, जो कि 28,570 के करीब में है, तो वो हम मार्क कर लेते हैं। और ये हो गया प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लो। अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट कौन से ऐसे लेवल्स ध्यान में रखने हमको दो, जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमको जो पहला है कि गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिला, जो कि पूरे दिन में वही एक सपोर्ट बन के रहा और एंड में वो सपोर्ट ब्रेक होते हुए दिखा। तो ये जो लेवल है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक होती है तो कहीं पे ये लेवल्स जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम इसमें कर सकते हैं। तो वो लेवल हम पहले मार्क कर लेंगे, जो कि रहेगा 29,320 के करीब, जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। अभी देखने जाए तो हम नीचे मोमेंटम देखें तो काफी बढ़िया एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी में हमको ये जो 29,000 कि नीचे के लेवल्स हमको ज्यादातर दिखे नहीं है पिछले काफी टाइम से, एटलीस्ट फेब्रुआरी मंथ में तो हमको नहीं देखने को मिला। पूरा मंथ हम देखे तो उस एरिया में हमको कोई भी एक स्विंग हाई लो भी नहीं दिख रहे, तो बेटर है हम फिबोनाची यूज करेंगे यहाँ पे। और फिबोनाची में भी हम देखे तो यहाँ से लेकर यहाँ का एक रिट्रेसमेंट लेते हैं तो 161% का जो आज का जो लो है वो वहीं पे बनने का कोशिश किया बैंक निफ्टी में। सो वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट उसने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है बैंक निफ्टी में। सो अभी हम वो लेवल्स को ध्यान में रखेंगे, मतलब कि हमने प्रीवियस आज का दिन का जो लो है ऑलरेडी मार्क करके रखा, पर उसके नीचे कौन से लेवल्स हो सकते हैं उसके लिए मैं आज आपको एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक दिखाता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल है और वो काफी अच्छा वर्क करती है मार्केट में। फिबोनाची ही यूज करेंगे, बट हम इस बार यूज करेंगे थोड़ा डिफरेंट लेवल में। हमको जो ये जो ब्रेक डाउन देखने को मिला, नीचे ब्रेकआउट दिखा, ये जो बड़ा कैंडल है लास्ट में 15 मिनट का, तो उसका हम रिट्रेसमेंट लेंगे पूरा, सिर्फ एक ही कैंडल का लेंगे, नॉट अ स्विंग हाई और लो। और हमने कुछ इस तरीके से मार्क कर लिया वो, तो नीचे में हमको 161% का ये कैंडल का जो रिट्रेसमेंट है 161% का वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पहले मैं लेवल मार्क कर लेता हूँ, लेवल है 28,210, तो काफी दूर है अभी बैंक निफ्टी में। 28,200 का एक लेवल हमको देखने को मिल रहा है, जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। तो ये चार लेवल्स हमने मार्क कर लिए है बैंक निफ्टी में, जिसमें डेज हाई एंड लो मार्क किया है, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस मार्क किया है जो प्रीवियसली हमको एक गैप के साथ देखने को मिला था, वो गैप आज फिल होकर नीचे मार्केट गया उसके, तो वो हमने लेवल मार्क किया। और कैंडल जो बड़ा फॉर्म हुआ उसका हमने एक रिट्रेसमेंट लिया है 161% का, जो कि लेवल है 28,210। इस सारे लेवल सपोर्ट लेवल के हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आपको रिवर्सल कैंडल्स या ब्रेकआउट नीचे साइड ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं तो आप अकॉर्डिंगली दैट यू कैन ट्रेड फ्यूचर्स और मे बी ऑप्शन, जो वीकली ऑप्शन रहेंगे। सो ये सारे लेवल्स थे फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, जिसको आपको ध्यान रखना है। एंड वीडियो यहाँ तक देखा तो इसको जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।